और चलिए सीधे आपको प्रतापगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर इस वक्त हम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। पूर्व विधायक चित्तौड़गढ़ उपस्थित तमाम हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, प्रतापगढ़ में आपने जिस जोश के साथ में स्वागत किया, सत्कार किया, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। इतनी बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं सब बैठी हुई हैं, लोग खड़े हैं। आपका अभी नीचे का तो बोर्ड भैया मैं देख लेना, नीचे कर दो, ध्यान रख लेंगे, नीचे करो बोर्ड, नीचे कर दो। आपके आज यहाँ नवनिर्मित फलरी और सब्जी मंडी बगवास, प्रतापगढ़ से मंदसौर सीसी रोड, जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित 8 चिकित्सक आवास, कौशल विकास केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारसपुर का लोकार्पण हुआ। मैं आपको बधाई देता हूँ और मुझे खुशी है कि लंबे अरसे बाद मेरे पास शब्द नहीं है, 3 शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं, आभार प्रकट करूं कि लंबे अरसे बाद में आपने हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार रामलाल जी को आपने अपना आशीर्वाद दिया। आप धन्यवाद के पात्र हैं। रामलाल मीणा जी को जब से मैंने देखा है, मैं देखता हूं कि इनमें काम करने का जज्बा है, काबिल है, कर्मठ है, समर्पित है, प्रतिबद्ध है जनता के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, और जनप्रतिनिधि में ही बातें होनी चाहिए जो इनमें हैं। अभी देखा आपने 6 महीने की उपलब्धि बताई आपको, इतने कम अर्से में वही जनप्रतिनिधि काम करने में कामयाब हो सकता है जिसके दिल में जनता के प्रति दर्द हो, क्षेत्र के प्रति भावनाएं हो कि मुझे कुछ करना है जिंदगी के अंदर, आम जनता के लिए, क्षेत्र के लिए। आप निश्चिंत रहो, इतना मजबूत प्रतिनिधि आपने चुना है इस बार कि 6 महीने की उपलब्धि है, तो आप सोच सकते हो कि अभी तो 4.5 साल बाकी है, पता नहीं क्या क्या काम कर रहा है। 4-5 मंत्री बैठे, मैं बैठा हुआ हूँ, और रामलाल सबको पटाना जानता है, तो आप सोच सकते हो कि कामों की कमी नहीं रहेगी। लंबे अरसे तक जो काम नहीं हो पाए हैं, प्रयास करेंगे, वैसे तो साधन सीमित होते हैं सरकारों के पास में, प्रयास करेंगे कि जो लंबे अरसे तक के जो काम नहीं हो पाए हैं उन कामों की तरफ ध्यान दें। और मैं समझता हूँ कि वही मंशा रामलाल जी की है कि किस प्रकार से काम जो है, लंबी लिस्ट उन्होंने दे दी मुझे, पर मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि आप निश्चिंत रहें, चाहे सिंचाई की बात इन्होंने करी हो, चाहे वो प्रतापगढ़ में केंद्रीय सहकारी बैंक की बात कर दी है, महाविद्यालय की बात भी इन्होंने कर दी है दलोत के अंदर, राजस्थान राज्य बीज फूड प्रोसेसिंग इकाई, बहुत सारी मांगे रखी हैं, चुना बांध, मोका टोंक बांध, अमृतिया बावजी बांध, केला डैम सिंचाई परियोजना, देवत कराडिया बांध, और 180 जो है सीटों से सीधा 300 पे आ गई, 200 पे भी नहीं आई है। बेड जो है 180 है अभी, हाँ 180 है, तो 180 200 की बात नहीं करी, सीधी 300 की बात करी, क्योंकि जिला बन गया। यही तो होशियारी है, यही होशियारी है कि भाई मंत्री जी बैठे हुए हैं, फिर क्या दिक्कत है, तो मांग पूरी करी आपने, यही समझदारी की बात है। अब रघु शर्मा जी को मैं कहूँगा कि भाई कोई रास्ता निकालो, जिला मुख्यालय है, ये बात बिल्कुल ठीक है रामलाल ने, जिला मुख्यालय बना दिया, तो जिला मुख्यालय दिखना भी चाहिए और जिला मुख्यालय की तरह सुविधाएं होनी भी चाहिए, मेरा मानना है। खाली कागजों में जिला बन जाए और उस ढंग की सुविधाएं नहीं हो जनता को, जिला के मतलब होता है
पूरे जिले के गांव में ढाणियों में लोग रहते हैं उन सबको फायदा मिले, जिला कलेक्टर का, एसपी का और जितने विभाग हैं उन सबके जिला मुख्यालय के ऑफिसेस का, इसलिए जिला बनाया जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो आप सुझाव दिए हैं, एक आपने कह दिया कन्या महाविद्यालय, तो अभी कॉलेज कोई खुल नहीं रहे हैं, ये मैं वादा कर सकता हूं राजस्थान में महिला कन्या महाविद्यालय कोई खुलेगा पहला प्रतापगढ़ में खोलेंगे, ये मैं कह सकता हूं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि पूरा एरिया में लड़कियां जो है, देखो इतनी बड़ी संख्या में बहनें और माताएं आई है, इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों को देख करके मैं ये कन्या महाविद्यालय की बात कर रहा हूँ, इनको देख के कर रहा हूँ, आपको देख कर नहीं कर रहा हूँ। पर मैं कहना चाहूँगा आपको भी, जमाना बदल गया है और चुनाव में क्या हुआ भूल जाओ, पिछले चुनाव में लोकसभा में हम कामयाब नहीं हो पाए, लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में कभी आप माई बाप बैठे हुए हो, कभी चुनाव जीतते हैं कभी चुनाव हार जाते हैं, पर ये लोकतंत्र दिया आपको कांग्रेस ने दिया है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर, उस जमाने में ये संविधान बने हैं, वोटों का राज दिया जनता को, अमीर गरीब का सबका एक वोट रखा है जिससे कि मान सम्मान गरीबों का बना रहे, महिलाओं का सबका मान सम्मान हो, क्योंकि एक वोट मांगने के लिए सब नेताओं के आपके घर घर में आना पड़ता है, वोट मांगने पड़ते हैं। और 70 साल तक भी इसको कांग्रेस ने कायम रखा है, 70 साल तक भी वोटों के राज को कायम रखा है, लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ में आज़ाद हुआ, वहाँ कायम नहीं रहा, वहाँ बार बार सैनिकों का शासन हो गया। तो आप सोच सकते हो कि यार हिंदुस्तान किस्मत वाला देश है जहाँ 70 साल के बाद में भी कभी भी पाकिस्तान की तरह सैनिकों का शासन नहीं हुआ, वोटों का राज ही कायम रहा। और वोटों का राज कायम नहीं रहता तो नरेंद्र मोदी जी कितनी भली अहम और घमंड में बातें करो, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। प्रधानमंत्री बने हैं तो प्रधानमंत्री को शुक्रगुजार होना चाहिए कांग्रेस का, कांग्रेस नेताओं का, जिन्होंने 70 साल में भी यहाँ पर लोकतंत्र को जिंदा रखा है, उसकी जड़ें मजबूत करी है, उस पर खड़ा है आज देश पूरा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लोकसभा में कामयाब नहीं हो पाए, पर हमारी जिम्मेदारी बनती है जहाँ देश में सरकारें कांग्रेस की नहीं हैं राज्यों में, वह उनकी ड्यूटी है कि वो भूमिका अदा करें प्रतिपक्ष की, जनता की समस्याएं हैं उनके आम के उनके सुख दुख में भागीदार बने, विकास के लिए आवाज़ बुलंद करें केंद्र के बारे में, वहाँ की सरकार जिस पार्टी की उसके बारे में, यहाँ आपके आशीर्वाद से सरकार बन गई कांग्रेस की। और मुझे आपने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं तीसरी बार राजस्थान की सेवा करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और सरकार आपने बनाई है तो आप निश्चिंत मान के चलें, लोकसभा चुनाव में हो गया वो ख़त्म बात, आगे की हम कैसे आपकी सेवा कर सकें, कैसे विकास में भागीदार बन सकें, और कैसे सरकार दिल्ली में वही नहीं बनी, उनकी जो नीति हैं उनके कार्यक्रम हैं जो हमारे राजस्थान के हित में नहीं हैं उनके बारे में हम लोग आवाज़ बुलंद कर सकें, सरकार भी करेगी। और मैं आम जनता से, प्रदेशवासियों से अपेक्षा करूंगा, वो भी जहाँ देखिए कि गलती हो रही है एनडीए गवर्नमेंट से, वहाँ हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। राजस्थान सरकार को कितना सहयोग मिलता है केंद्र से, कहाँ नहीं मिलता है, कहाँ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि हमारा हक है संघीय प्रणाली के अंदर, केंद्र में सरकार किसी पार्टी की हो, राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार होती है, पर केंद्र को जो निश्चित मापदंड है
उसके अंतर्गत मदद करनी पड़ती है, इमदाद करनी पड़ती है। अगर भेदभाव किया गया तो हम लोग आवाज़ उठाने में कमी नहीं रखेंगे और आप सबका उस वक्त हमें सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, ये मैं आशा करता हूँ। आपने भी उनको कामयाब कर दिया है तो लाखों करोड़ लोगों की आशा अपेक्षा बढ़ जाती है केंद्र के साथ में भी। उसी रूप में आपको भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि हमने वोट देकर जिताया है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पर हमारे काम क्यों नहीं हो रहे हैं। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे भूमिहीन किसान हो, चाहे नौजवान हो, नौकरियों की बात है उनके लिए, अर्थव्यवस्था मजबूत बने, देश की चौमुखी विकास हो। प्लीज़ प्लीज़, अरे भाई प्लीज, अरे भाई। तो ये जो है तमाम दिमाग में आगे बातें रखनी पड़ेगी, तब जाकर के हम लोग इस व्यवस्था के अंतर्गत आगे बढ़ पाएंगे। हमने कई फैसले किए, कर्जा माफ़ किया है कोऑपरेटिव बैंक का, भूमि विकास बैंक के पूरे कर्जे माफ़ कर दिए सभी के। जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनसे हमारी मीटिंग चल रही है कि आप जिस प्रकार उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ करते हो बड़े बड़े, तो आप किसान के कर्जे बहुत छोटे होते हैं उनको माफ़ क्यों नहीं करते हो आप, ये हमारा उनको कहना है। उनके करोड़ों अरबों के कर्जे माफ़ होते हैं, 500 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ रीसेटल होते हैं, और किसान इनके बनवाएंगे एस्टीमेट, क्योंकि इन्होंने खत लिख के दिया है कितने करोड़ का है, कितना का नहीं है, कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा। तो आप निश्चिंत रहो, सिंचाई की सुविधा बड़े राजस्थान के अंदर, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा जिससे कि हमारे किसानों की माली हालत सुधरे, उनको सिंचाई के पानी मिले सस्ता, वो अपने अच्छी खेती कर सके, अच्छा घर बार चला सके। इस प्रकार से जो फैसले किए वो आपके सामने हैं, लंबी फहरिस्त बता दी आपको विधायक महोदय ने, आपके रामलाल जी ने। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 20 साल पहले, तब मैंने एक नारा दिया था, पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ। दूसरी बार बना था तो मैंने पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाने के साथ में जोड़ दिया वृक्ष लगाओ। ये तमाम काम आज के वक्त में बहुत महत्व रखते हैं जिंदगी के लिए भी। वायु में प्रदूषण है, पर्यावरण ठीक रखना जरूरी है, बिना पेड़ों के संभव नहीं होगा। पानी नीचे जा रहा जमीन के अंदर, पानी पीने को नहीं मिल रहा, खारा पानी मिलता लोगों को, सतही जल कितने ही कोशिश कर लो तभी उसकी एक सीमा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से पानी लोगों को पीने का मिल सके। इसी प्रकार से शिक्षा स्वास्थ्य बताया मैंने आपको, और बिजली अगर हम फालतू में खर्च करेंगे तो बिल भी ज़्यादा आता है और कमी पड़ जाती है, वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपका आह्वान करूँगा कि जो भी हमें ज्ञापन दिए गए हैं, अभी ज्ञापन आया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सहयोगिनी परमानेंट करने का आया है, अब ये पूरा देशव्यापी मामला है, पूरे मुल्क में ये स्कीम जो है राजस्थान गवर्नमेंट की नहीं होती है, ये आंगनवाड़ी वर्कर पूरे मुल्क के अंदर है, देश के अंदर है। फिर भी हमने समय समय पर इनका मानदेय बढ़ाया भी है, इनका इंश्योरेंस करवाया मैंने मेरे पहले वक्त में, आगे भी मैं क्या कर सकता हूँ इसका मैं पूरा ध्यान रखूँगा। हमारे विद्यार्थी मित्र अनुबंध पे लगे हुए कई हमारे कर्मचारी हैं, NRHM में हैं, नरेगा में हैं, मिलते रहते हैं वो लोग। अलग तरह की समस्याएं, मैंने एक कमेटी बनाई है बीडी कल्ला जी हमारे जो बिजली मंत्री उनके अध्यक्षता में, वो जितने भी हमें ज्ञापन मिल रहे हैं अनुबंध के साथ में हो, चाहे नरेगा के क्रम में हो, NRHM के हों, उनको मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से उनको मदद मिल सकती है। इतने में आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको मैं आह्वान करूँगा पूरे मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ से हमारा बहुत लगाव है शुरू से ही, आपने ही बहुत प्यार दिया स्नेह दिया। और मुझे याद है पहली बार अकाल पड़ गए थे 3-4 लगातार,
99 में 2000 2001 2002 के अंदर मैं मुख्यमंत्री था, तो हमने जिस प्रकार से प्रबंधन किया पूरे देश के लोग आज भी याद करते हैं, अकाल सूखे में प्रबंधन ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। घर घर में गेहूँ पहुँचा दिए, काम के बदले अनाज योजना लाए, गांव के गांव सही काम के अलावा निजी काम भी है, कुएँ है, घर बनाना है, कमरा बनाना है, कुआ खोदना है, उसके लिए ले जाओ, निजी कामों के लिए भी काम ले जाओ। उस वक्त हमें सुनना पड़ता था बीजेपी नेताओं से कि अशोक गहलोत तो दिल्ली की सड़कों पे, उस वक्त वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ये भीख मांगते फिर रहे हैं गेहूँ की। मैंने कहा मुझे गर्व होगा अगर मेरी भीख मांगने से राजस्थान की जनता की भूख मिटती हो तो मैं भीख मांगूंगा, मुझे शर्म नहीं आएगी। भाई चुप रहो एक मिनट। इसी प्रकार से मैंने कहा ओके लोग भूख से मरेंगे, मैंने कहा इतना शानदार प्रबंधन किया हुआ है गांव गांव में, गेहूँ की बोरी रखवा दी फ्री बांटने के लिए, और पटवारी को ग्राम सेवक को पाबंद कर दिया है कि वो ध्यान रखें कोई संकोच में भी गेहूँ नहीं मांगे तो गेहूँ पहुँचा दो उसके घर पे। तो मैंने उनको जवाब दिया, ये वसुंधरा जी और सब बोलते थे, मैंने कहा दिमाग से निकाल दो, मेरे सरकार में मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए भूखे मरने की बात छोड़ो, एक आदमी भूखा नहीं सोने देंगे राजस्थान के अंदर, ये मेरा संकल्प है। इस प्रकार से हमने उस पर में ध्यान दिया था। जो मैं कहना चाहूँगा ये लोकतंत्र है, हमारी सरकार की मजबूती के लिए जरूरी है कि आप चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिकाओं के आएंगे, नगर निगमों के आएंगे, नगर परिषदों के आएंगे, पंचायतों के आएंगे, हम चाहेंगे कि आप इस बार पुनः यहाँ पे आपके जिला प्रमुख प्रधान सरपंच सब बने कांग्रेस के, नगर पालिका हम लोग जीतें, जिससे कि वो लोग, सरकार हमारी है, हमारे बोर्ड बनेंगे पंचायतों में और नगर निगमों में, तो आप सोच सकते हो कि काम ज़्यादा होते हैं, कड़ी से कड़ी मिलती है, कड़ी गांव की, फिर जिला हेडक्वार्टर की, एमएलए आपका एमपी कड़ी हमारे साथ नहीं मिली हुई है, वो दिल्ली की है, पर एमएलए कड़ी जुड़ेगी राजस्थान सरकार से, तो काम आपके जम के करेंगे हम लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार आपको ऐसा करवाएगी गुड गवर्नेंस के माध्यम से, अच्छा शासन दें हम लोग। हम सरकार में आए हैं, राहुल गांधी जी ने